समापन से पहले देव आज ब्रह्मा मंडी शहर को सुरक्षा कवच दे कर रहे हैं। देवता ने इलाके की सुरक्षा का वचन देने के साथ ही खुशहाली और सुख समृद्धि का भी वचन दिया है। बता दें कि देव आज ब्रह्मा शिवरात्रि महोत्सव के समापन पर हर वर्ष पूरे मंडी शहर की परिक्रमा करते हैं। इस परिक्रमा के दौरान शहर की शुद्धि के लिए आटा फेंका जाता है। लोग इस आटे को अपने ऊपर गिराना सौभाग्य मानते हैं। बुधवार को भी देव आदि ब्रह्मा ने पूरे मंडी शहर की परिक्रमा की और आटा फेंककर शहर की शुद्धि की। देवता द्वारा की जाने वाली इस पूरी परिक्रमा को स्थानीय भाषा में कार बांधना कहते हैं। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग देवता के दर्शन के लिए उमड़ते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पूरे शहर की परिक्रमा करने के बाद देव आदि ब्रह्मा के पुजारी सेरी मंच के सामने धूप जलाकर और हाथों में तलवारें लहराकर दैवीय शक्तियों का आह्वान करते हैं। यहां तक कि पुजारी अपनी जीभ को दो तलवारों के बीच रखकर दैवीय शक्ति का प्रमाण भी देता है। इस पूरे मंजर को देखने के लिए सेरी मंच पर भारी जनसैलाब उमड़ता है। देवता के साथ आए लोगों ने बताया कि मंडी शहर में शिवरात्रि के समापन पर कार बांधने की परंपरा सदियों से चली आ रही है और इस परंपरा को लगातार जारी रखा हुआ है। उन्होंने बताया कि देवता पूरे मंडी शहर को सुरक्षा कवच देने के साथ ही खुशहाली का आशीर्वाद भी देते हैं। जो देव आदि ब्रह्मा जो है परंपरा से पीछे पता किस पर छोड़ जाता है, कोई भी पता नहीं किसी को। 800 साल पहले कभी रिकॉर्ड मिला था, 2-3 साल पहले, लेकिन जो आज की फेरी जो है ये जो रक्षा करने के लिए ही फेरी लगाता है, इसलिए जो बाजार की रक्षा भी करता है, इसलिए जो देवता राजबारे से पहले से ही ऐसे ही चलता है परंपरा से ही। जो आटा जो है ये भी इसलिए जो आदमी को जो दिक्कत आ जाती है, इसलिए जो आटा के पहले फेंक जाते हैं, इसलिए जो आदमी को किसी को दिक्कत ना आए, तब करके जो ये फेरी जुड़ी लगती है। बता दें कि देव आदि ब्रह्मा मंडी जिला के इलाका उत्तरशाल के टिहरी गांव में निवास करते हैं। यहां पर देवता का प्राचीन मंदिर है। देवता का शिवरात्रि महोत्सव में विशेष स्थान है, इसलिए यह हर वर्ष इस महोत्सव में भाग लेने यहां आते हैं। मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। सोलन में 25 तारीख से 18वीं नेशनल लॉन टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और इस प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे। अधिक जानकारी देते हुए जिला पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने बताया कि 18वीं नेशनल लॉन टेनिस प्रतियोगिता सोलन में आयोजित होगी, जिसमें उच्च अधिकारियों समेत DGP स्तर के अधिकारी भी भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिता से जहां एक और खेल प्रतिभा का राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन होगा, वहीं सोलन के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में पुलिस के 2 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भाग लेंगे, जिससे खेल में रोमांच बना रहेगा और दर्शकों का खेल देखने में आनंद भी आएगा। 18th ऑल इंडिया लॉन टेनिस टूर्नामेंट जो नेशनल लेवल इवेंट है हमारे यहाँ सोलन जिला में 25 से लेकर 28 तक हो रही है। इसमें तकरीबन 120 पार्टिसिपेंट्स आएंगे। ऑल ओवर इंडिया पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, ITBP, CRPF इत्यादि, उनके पार्टिसिपेंट्स आएंगे। सीनियर अधिकारी रहेंगे, इवन कुछ DGP रैंक स्तर के अधिकारी भी रहेंगे। इसमें 2 खिलाड़ी हैं जो ऑल इंडिया के बाद उन्होंने इंटरनेशनल गेम्स में, वर्ल्ड पुलिस गेम्स में भी गोल्ड जीता है, वो भी अट्रैक्शन रहेंगे। और क्योंकि खिलाड़ी ऑल इंडिया लेवल के हैं, इंटरनेशनल लेवल के हैं, तो एक स्तर गेम का बहुत हाई रहेगा, तो लोगों को विटनेस करने में अच्छा रहेगा। कि ये बहुत गर्व की बात है कि पहली बार, ये 18वीं गेम है, पिछले 18 या 20 सालों में पहली बार ऐसा मौका है कि हिमाचल को ऐसा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराने में एक नेशनल स्तर के ऑर्गेनाइजेशन में हमें मिला है। बहुत सारा फ्लो ऑफ ऑफिसर्स आएंगे, टूरिज्म अट्रैक्शन रहता है और एक अपने आप में गर्व रहता है कि एक नेशनल इवेंट हिमाचल पुलिस ने, हिमाचल स्टेट ने ऑर्गेनाइज की है। आपको बता दें कि हिमाचल को इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता की मेजबानी करने का पहली बार मौका मिला है, जिसमें आला पुलिस प्रशासन जमकर तैयारियों में जुटा हुआ है। सोलन से ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। सोलन में पिछले कई दिनों से बाइक गैंग सक्रिय था। जिला पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने मोटरसाइकिल चोरों को जाल में फंसाने के लिए रणनीति बनाई और अपने सूचना तंत्र को भी सक्रिय कर दिया। सूचना के आधार पर चोरी हुए मोटरसाइकिलों के मामले में पुलिस ने चौपाल से एक पुरुष को गिरफ्तार किया है। इस पुरुष से पुलिस ने जब सख्ती की तो खुलासे युवक ने जो किए वो चौंकाने वाले थे।
जिला पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने जानकारी देते हुए कहा कि शातिर चोरों का यह गैंग सोलन से महंगी बाइक चोरी करता था, फिर वह उन्हें आधे दामों में चौपाल के गांव में बेच देता था। उन्होंने बताया कि वह न केवल चोरों को पकड़ने में कामयाब हुए हैं, बल्कि उन्होंने चोरी की बाइक खरीदने वालों को भी पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। उन्होंने अंदेशा जताया कि पकड़े गए बाइक चोरों ऋषभ और पंकज से और भी खुलासे होने की उम्मीद है। एक चोरी का गैंग बर्स्ट किया है, जिसमें जो चोर हैं और जिन्होंने चोरी का सामान खरीदा है उनको अरेस्ट किया गया है और आगामी कार्रवाई एज पर लॉ की जा रही है। इसमें तकरीबन 5 चोरियां हैं और जो मोडस ऑपरेंडी चोरी का रहा है वो व्हीकल थेफ्ट का रहा है। दे आर बिटवीन 22 to 29 और शरारती किस्म के तत्व हैं, क्योंकि इनको थोड़ा जहाँ पे सिक्योरिटी लूप रहता है वहाँ से बाइक का निकाल के हैंडल के पीछे से, उसके बाद फोटोस्टेट के पेपर के बेसिस पे ये बाइक को आगे ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द रेट्स पे बेचते थे और एक अश्योरेंस ये देते थे कि अभी कुछ आप एडवांस पैसे दे दें, उसके बाद जब डॉक्यूमेंट्स ये उपलब्ध करवा देंगे और पैसे उसके बाद ये ले लेते थे। तो इसमें जो चोरी का सामान खरीदने वाला है वो भी उतना ही गुनहगार है। पकड़े गए बाइक चोर युवा हैं, जो जल्द पैसा कमाने के चक्कर में इन घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, जो बाइक्स के कागजातों की फोटोकॉपी करवाकर गांव में बेच देते थे। सोलन से ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। सोलन की नारियां लगातार सशक्त होने का प्रयास कर रही हैं, जिसमें सरकार भी उन्हें पैरों पर खड़ा होने के लिए भरपूर सहयोग दे रही है। सोलन की एक जागरूक महिला की ऐसी ही कहानी, आइए जानते हैं। प्रीमता खेमटा जिला सोलन की ऐसी महिला है जिन्होंने फर्नीचर की इंडस्ट्री लगाई है, जिसमें वह न केवल खुद को स्वावलंबी बनाएगी बल्कि वह और महिलाओं को भी रोजगार के अवसर प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास कर रही है। इस मौके पर भाजपा नेता राजेश कश्यप ने कहा कि सोलन की प्रीमता खेमटा ने बहुत अच्छी पहल की है और उनके द्वारा उठाया गया कदम और महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत साबित होगा। उन्होंने कहा कि उनके उठाए गए कदम से जहां महिलाओं का उत्थान होगा वहीं रोजगार के नए आयाम भी स्थापित होंगे। मैं समझता हूं ये इनकी बहुत ही योग्यता है और ये एक महिलाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। ऐसा ही मैं चाहूंगा कि महिलाएं आगे बढ़ें और इस तरह के जो अपने पैरों पर खड़े होकर लोगों के लिए जो है एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करें और लोगों के लिए सुविधा भी दे। आपको बता दें कि प्रीमता खेमटा के फर्नीचर इंडस्ट्री के व्यवसाय से अन्य महिलाओं को भी प्रेरणा मिलेगी। सोलन से ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की छठी एवं अंतिम सांस्कृतिक संध्या गायक आदित्य नारायण के नाम रही। अंतिम सांस्कृतिक संध्या में दर्शकों ने खूब आनंद उठाया। संध्या में मंडी के सांसदीय क्षेत्र सांसद रामस्वरूप शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और उनके साथ सरकाघाट के विधायक कर्नल इंदर सिंह और करसोग के विधायक हीरा लाल भी मौजूद रहे। डीसी मंडी ने सांसद रामस्वरूप शर्मा को शॉल टोपी और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इससे पहले प्रदेश के विभिन्न स्थानों से आए कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। वहीं कजाकिस्तान से आए दल ने फिर से अपने देश की सांस्कृतिक झलक को दर्शाने का प्रयास किया। दर्शकों ने कजाकिस्तान से आए कलाकारों की प्रस्तुति को खूब सराहा। रात करीब 8:30 बजे पार्श्व गायक आदित्य नारायण ने मंच संभाला और एक के बाद एक फिल्मी गाने गाकर दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। रात 10 बजे तक पंडाल में बैठे लोग झूमते हुए नजर आए। दर्शकों ने संध्या का खूब आनंद उठाया। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की सांस्कृतिक संध्याओं का समापन भी हो गया। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की अंतिम सांस्कृतिक संध्या में दर्शकों ने खूब आनंद उठाया। मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। एक टांग नहीं है लेकिन फिर भी नाचता है, पर प्रशासन यह नहीं समझ पाता कि उसको मंच देने में भी प्रशासन का ही फर्ज है। नाराजगी भरी ये कहानी है मंडी के 20 वर्षीय युवक सतीश कुमार की। सतीश को रंज है कि इस बार उसे शिवरात्रि महोत्सव में अपनी प्रस्तुतियां देने का मौका नहीं दिया गया। 5 साल के बाद जब मुझे होश आया और मैंने देखा कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए
मंडी जिला के सात मील गांव निवासी सतीश कुमार ने मात्र 2 वर्ष की आयु में अपनी टांग खो दी। एक तेज रफ्तार ट्रक ने सतीश कुमार को जिंदगी भर का गम दे दिया, लेकिन सतीश ने हिम्मत नहीं हारी। आज सतीश भले ही गरीबी में अपनी जिंदगी जी रहा हो, लेकिन हौसले बुलंद है और इन्हीं के दम पर वह आगे बढ़ रहा है। सतीश के पिता चाय की दुकान चलाते हैं, जबकि माता मनरेगा में मजदूरी करती है। सतीश पहले एक्टिंग करता था, फिर उसके मन में डांसिंग का शौक भी जागा। नकली टांग के सहारे सतीश ने अपने इस शौक को न सिर्फ पूरा किया बल्कि कई मुकाम भी छुए। सतीश पिछले साल शिमला में हुए मिस्टर हिमालय के खिताब को अपने नाम कर चुका है। वहीं दिव्यांगों की नेशनल एथलेटिक्स में भी भाग ले चुका है। बड़ी बात तो यह है कि सतीश ने किसी से कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, जो भी सीखा यूट्यूब पर वीडियो देखकर सीखा। एक एक्टिंग का ये जरिया था, मैंने एक्टिंग करना स्टार्ट किया। फिर एक्टिंग के साथ साथ मुझे पता चला कि मेरे में एक और हुनर भी है, दैट इज कॉल्ड अ डांस। मैं डांस भी कर सकता हूँ, तो मैंने औरों के लिए किया, देख देख कर, यूट्यूब से देख देख कर, क्योंकि मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था, ना इतना अफोर्ड कर पाता था फीस, जनरली बताऊँ तो। पर मैंने यूट्यूब से देख देख कर, इधर उधर से देख के स्टेप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया और स्टार्ट किया, शुरू करना स्टार्ट किया। फिर मैं विदाउट वन लेग ऐसे अच्छे अच्छे स्टेप्स करना भी शुरू किया, जिससे मतलब मेरे को थोड़ा वो फीडबैक मिल रहा था। और लास्ट सितंबर में 2017 में मैंने मिस्टर हिमालय वर्ल्ड 2017 जीता था, जो शिमला में हुआ था। ये एक नेशनल टाइटल है जो मैंने अपने नाम किया था। लेकिन सतीश कुमार की इस कला की मंडी जिला प्रशासन कदर नहीं कर पाया। सतीश को मलाल है कि आज उसे मंडी के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में भाग लेने का मौका नहीं मिला। सतीश ने 22 जनवरी को ही जिला प्रशासन को एप्लीकेशन दे दी थी और ऑडिशन का भी इंतजार कर रहा था। बाद में पता चला कि डांसर के लिए कोई ऑडिशन नहीं है और ऐसे लोगों की सिलेक्शन उनके प्रोफाइल के आधार पर होगी। शायद प्रशासन को इस हुनरबाज की प्रोफाइल रास नहीं आई और इसे अपनी प्रतिभा दिखाने का कोई मौका नहीं मिल सका। हमको क्यों नहीं स्टेज प्रोवाइड होता है? एक तरफ तो आप कहते हैं कि हैंडीकैप्स के लिए आप ये कर सकते हैं, वो कर रहे हैं, और हमको एक तरफ आप क्यों नहीं दे रहे हैं? मेरे को यही जानना है कि हमको स्टेज क्यों नहीं मिल रहा है, वो भी बिना किसी ऑडिशंस के, बिना किसी के। मैं तो सिफारिश वारिश में तो इतना बिलीव नहीं करता हूँ, सीरियसली बात, क्योंकि जो डिजर्व करता है आई थिंक उसे स्टेज प्रोवाइड होना चाहिए। क्योंकि एक आर्टिस्ट की शुरुआत एक छोटे स्टेज से होती है। अगर अपने घर के मैदान में स्टेज ना मिले तो ये तो शायद बहुत बुरी बात होगी हमारे लिए। सतीश कुमार अभी वल्लभ कॉलेज मंडी से अपनी BSc की पढ़ाई पूरी कर रहा है। भविष्य में सतीश एक्टिंग और डांसिंग की दुनिया में नाम कमाना चाहता है, लेकिन इसके लिए उसे समाज के सहयोग की जरूरत रहेगी। मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। मंडी जिला के लोगों को अब अपने पासपोर्ट बनवाने के लिए शिमला के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मंडी जिला के मुख्य डाकघर में पासपोर्ट सेवा केंद्र ने कार्य शुरू कर दिया है। बुधवार को मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद रामस्वरूप शर्मा ने पासपोर्ट सेवा केंद्र का विधिवत रूप से शुभारंभ किया। यह पासपोर्ट सेवा केंद्र मंडी जिला मुख्यालय पर स्थित मुख्य डाकघर में कार्य करेगा। नया पासपोर्ट बनवाना है या फिर नवीनीकरण करवाना है या अन्य किसी प्रकार की त्रुटि को दुरुस्त करना हो तो यह सारे काम यहीं पर हो जाया करेंगे। सांसद रामस्वरूप शर्मा ने इसके लिए मंडी जिला के लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि शिमला के अलावा हमीरपुर और कांगड़ा जिला के लोगों को यह सुविधा मिल रही थी, लेकिन अब इसमें मंडी जिला का नाम भी जुड़ गया है। उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। रामस्वरूप शर्मा ने बताया कि मंडी संसदीय क्षेत्र को 2 पासपोर्ट सेवा केंद्रों की सौगात मिली है, जिसमें दूसरा केंद्र कुल्लू जिला मुख्यालय पर खोला जाएगा। इसकी तैयारियां भी पूर्ण हो चुकी हैं और जल्द ही इसका शुभारंभ कर दिया जाएगा। जब पासपोर्ट बनाने की बात आई, लंबा समय लगता था। पहले चंडीगढ़ जाना पड़ता, फिर शिमला दफ्तर खुला, तो जब मैं स्टैंडिंग कमेटी से मैंने आग्रह किया कि पासपोर्ट सेवा केंद्र खुलने चाहिए, पासपोर्ट बनाने के कैंप लगने चाहिए। रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि आधुनिक युग में डाकघर वीरान होते जा रहे थे, तो इस दिशा में भारत सरकार ने इन डाकघरों के सही इस्तेमाल की योजना बनाई है। अब डाकघर सिर्फ डाक पहुंचाने का ही नहीं बल्कि एक बैंक का भी पूरा काम कर रहे हैं। मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए के चैनल के साथ।